अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बगैर मसीब ज़्यादा। मैं हूँ मुशारे फारूकी। और मैं हूँ नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम लाहौर में वाकई एक मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ पे एक घर है जिसका कोई भी समझ लें ऑनर यहाँ पे नहीं रहता। अरसे दराज से वो बंद पड़ा है और उसका कौन मालिक है, कहाँ है, वो किसी को नहीं पता कुछ। और यहाँ के इलाके मकीन जितने भी हैं उनसे मालूम हुआ है कि इस घर का एक तो रखवाला कोई नहीं, यहाँ पे कोई आता नहीं। और घर की हालत जब हम आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि वो छतें फटी हुई हैं, ईंटें वगैरह और दीवारें गिरी हुई हैं। घर की हालत बिल्कुल ख़राब है मुशारिफ, जैसे कि हम यहाँ से होकर पहले गए हैं। अब आपको भी दिखाएँगे पूरे घर की लोकेशन और आपके सामने तहकीकात का आगाज़ करेंगे। अब बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ पर अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इलाका मकीन वालों से पूछा, उनका कहना यही था कि ये जब से ये आबादी यहाँ पे अरसे दराज से रही है, कोई भी यहाँ पे इसका नहीं जानता, इसका कौन ऑनर है, कहाँ गए, क्या मामला हैं, क्यों नहीं ये बिकरा, या डेफिनेटली और प्रॉपर्टी इश्यूज भी होते हैं। लेकिन और इसके बिल्कुल इसके साथ साथ ये भी है कि ये घर ना कभी किसी को किराए पे दिया गया, ना कभी सेल होने पर आया। तो मामला कुछ इस तरह के हैं जहाँ पे जाहिर बात है अगर कोई घर स्पेयर हो तो डेफिनेटली ऑनर की कोशिश होती है या तो वो रेंट आउट हो जाए या तो सेल कर दिया जाए। लेकिन दोनों मामला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, घर के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं, आपको एरिया दिखाते हैं, घर दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। ये दिखाइए, ऊपर से दिखाइए, एक सेकंड आप आइएगा। आ जाए सकीब, आप दिखाइए एरिया पूरा। नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मामला, अभी हम एंटर हुए हैं और मिट्टी की तह यहाँ पे हर जगह पे है नजर, जिसना साकिब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये बिल्कुल यहाँ पे अगर मिट्टी जैसे आप लोगों ने अभी देखी है। इसके साथ साथ मुशारिफ व्यूवर्स की निशानदेही करवाना चाहूँगी, कैमरामैन को दिखाऊंगी, फर्श पे दिखाइए, यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, टूटा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन किसी ने अच्छा कंस्ट्रक्ट किया था यहाँ पे, मतलब एक अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ ये घर बनाया गया था, लेकिन इसको इस्तेमाल में ये चीज़ नहीं आई है। ये चीज़ इस्तेमाल में नहीं आई। जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ भी मैंने देखा है कि हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, साकिब इधर आइएगा। यहाँ पे कुछ मक्खियाँ बिड़े जिनको आप कहते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने पूरा एक अपना जाला बनाया हुआ है और काफ़ी अरसे से क्योंकि बंद है। और अच्छा, आप इधर आइएगा ज़रा साकिब, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन पुरानी है। उफ़ल्ला, एक कैमरामैन जरा अंदर लाइट अंदर चमका दे रहे हैं, दो तीन घूम रही हैं, आप जाएं अंदर, कैप्चर करें, कैप्चर करें। अच्छा, मैं ईएमए फोन कर रहा हूं, आइए कैप्चर, हुई है कैप्चर। क्या कोई चीज है यहाँ पे, होने का साहस दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? बहुत ध्यान से, क्या कोई है? अच्छा, बिल्कुल नीचे आप ये दिखाएं साकिब। नाज़रीन, अंदर झाड़ियाँ देख के नजफ देख के, लकड़ी पुराने ज़माने की इस्तेमाल हुई है, जो मोटी लकड़ी होती थी, बड़ी कीमती लकड़ी है। और अभी तक अच्छा शबीर, ये दिखाइए, ये देखिए किसी परिंदे को मारा गया है मुशारिफ, किधर ये उसके पर देखें, परिंदे के गिरे में किसी परिंदे को मारा गया है यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत आप ऊपर दिखाएं वो चमकादर, एक सेकंड ये क्या था, ये मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, कैप्चर हुई है, ये कैप्चर हुई है मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरी है ये। बहुत ध्यान से पूरी टीम को कहना चाहूंगी, नीचे देख के जरा, इधर शबीर आएंगे, क्या अपने होने का साहस दिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? कौन है?
कदमों की आवाज आ रही है। मुझे वो इधर देखो, मैं सामने नहीं क्या। हां बिल्कुल, मेरे साथ आएंगे देख के। बिस्मिल्लाह, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अच्छी, एक और रूम है, आना साकेत। अंदर लाइट। ये दिखाइए किस तरह ये जो लकड़ी का दरवाजा था, इसकी क्या हालत हो गई है। और यहाँ पे ये जो विंडो है, इसकी क्या हालत है, ये भी दिखाइए। खिड़की बहुत ध्यान से नीचे, मतलब चीजें बहुत खराब। अस्तग़फिरुल्लाह, आवाज आ रही है मुशारिफ, सब ठीक है? कुछ गया यहाँ से। ये क्या था साकिब? वो एक है कि एक से दो है, वो सर पे घूम रही है और बहुत नजदीक से हिट करने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगा, अच्छा बकायदा ना नजर क्या हुआ, बकायदा दरवाजा बजा, मतलब कुछ चीज गिरी है दरवाजे पे। कुछ गिर रहा है, कुछ गिर रहा है ना बाहर। शर्म, कुछ गिर भी रहा है। बाहर निकले यहाँ से सारे, बाहर आ जाए सारे। नाज़िम, अंदर मामला तभी, एक तो गंदगी बहुत है, झाड़ियाँ हैं और अंदर कुछ चमगादड़ों के अटैक्स हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम बाहर आए हैं और अभी दोबारा फिर चलते हैं। मुशारिफ, मुझे तो एक तो कदमों की आवाज़ें आ रही हैं बार बार, और कुछ गिर भी रहा था ऊपर से। गिर भी रहा है, और जब मैं गया हूँ ना अंदर दूसरे रूम में, वहाँ पर बाकायदा रूम पर जैसे किसी ने पुश किया है, अचानक मेरे ऊपर से चमगादड़ आई थिंक गई है, या वो कोई परिंदा था, पता नहीं अंदर क्या है। चलते हैं। अच्छा, अंदर ना मुझे अजीब सी अंदर फीलिंग आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन में ना और मामला मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो क्या है, अभी देखते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखते हैं। सही, बाकी बाकी दिखाएं, चलते हैं देखते हैं मजीद। हाँ। इस चीज़ को देखेंगे बहुत ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि अंदर ये हालत दिखाएं इस चीज़ की, ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई ऊपर भारी चीज़ गिरी हो और ये नीचे मतलब लकड़ियाँ हुई हुई हैं। ये कैमरामैन ऊपर दिखाइए, मुशारिफ भी देखें, ये देख रहे हैं आप किस तरह ये फटी हुई है छत, जिस तरह कोई भारी चीज़ गिरी हो। जिस तरह कोई भारी चीज़ गिरी हो। कौन है? अस्तग़फिरुल्लाह। यही, एक सेकंड इधर आओ, इधर दरवाजा है, नजफ इधर आओ साकिब, यही दरवाजा मेरे सामने हिला है और ये तो जैम हुआ है ना, जैम हुआ है नीचे से। क्या हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? जैम है, बकायदा हिला यार इस तरह, मतलब जोर से, जैसे वो चीज पूरी मूव हुई है। क्या दोबारा कर सकते हैं? ये देखो, फिर आवाज़ ही, अंदर आओ, आवाज आ रही है, जैम है दूसरी तरफ से, हम चलते हैं अंदर की जानिब। क्या दोबारा अपने होने का साहस ला सकते हैं? अंदर आओ, एक पीछे से भी आ रही आवाज। यहाँ पे कैमरा रखी है, यहाँ से आवाज आ रही है। कौन है? क्या हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? कैमरे के सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुँचाए? ओ, 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 नजफ, रीडिंग मिल रही है। अचानक रीडिंग आई है, अचानक। और मुशारिफ, एक ही वक्त में आपको अंदर कुछ फील हुआ है, मुझे बाहर से आवाज आई है और साथ ही रीडिंग हमें मिली है। मतलब ये दोबारा होने का साहस ला सकते हैं? देख के देख के देख के देख के देख के एक पीछे रखे कैमरा, हम जानते हैं आप इधर ही मौजूद है। देख के बिल्कुल ध्यान से, क्या दोबारा होने का साहस ला सकते हैं? रीडिंग के शुरू में तो आप आ रहे हैं,
नज़र आना जाना हो रहा है नज़र, बिल्कुल आ रही है वो चीज़, वो जा रही है, ये देखें हम। उफ़ अल्लाह, उफ़ अल्लाह, ये देखें ये कहाँ से आया है, आ रही है वो चीज़, वो जा रही है, ये देखें हम। उफ़ अल्लाह, उफ़ अल्लाह, ये देखें ये कहाँ से आया है मुशारिफ, ये कहाँ से आया है? कौन हो? क्या बात कर सकते हैं हमसे आप? ये आपकी जगह, आप यहाँ रह सकते हैं लेकिन अपने होने के साथ और दिखा सकते हैं, हम कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। इस कमरे में आ सकते हैं? नाज़िम यहाँ मामला कुछ अजीब हैं, और ये देखें रीडिंग आती है जाती है, मतलब चीज हमें बता रही है। अल्लाह, ओह माय गॉड, बाहर कोई चीज मौजूद है, कैमरा बाहर रखें, मतलब चीज हमें बता रही है। अल्लाह, ओह माय गॉड, बाहर कोई चीज मौजूद है, कैमरा बाहर रखें। साकिब बहुत ध्यान से, शबीर आप कैमरा बाहर ही रखिएगा। नाज़िम यहाँ पे मामला ठीक नहीं लग रहे, और अभी सिर्फ हम लोग, नाज़िम आप इधर ही रहो, देख के मैं साकिब के साथ जा रहा हूँ, ठहर जाओ आप, ध्यान। कौन है? हरकत हो रही है बकायदा तौर पर। साकिब देख के, कौन है इधर? इस कमरे में आ सकते हैं? देख, रीडिंग भी नहीं आ रही। हम जानते हैं आप इधर ही मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी का इजहार कर सकते हैं दोबारा, बगैर नुकसान पहुंचाए। कोई है? क्या हुआ? रीडिंग मिल रही? देख के, देख के। नीचे देख के ना, जब एक सेकंड है, कोई है? ओए अल्लाह अकबर, क्या हुआ? निकलो निकलो, देख के, देख के ऊपर, देख के सर, देख के, एक सेकंड है, कोई है? ओए अल्लाह अकबर, क्या हुआ? निकलो निकलो, देख के, देख के ऊपर, देख के सर, देख के, देख के, ज्यादा नहीं, नजर देख, देख के साकिब, यार क्या था? इधर शटर के नीचे आ जाओ, एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड अपने सर बचाओ। क्या था, क्या था? जो बकायदा कुछ चीज गिरी हमारे ऊपर, और शुक्र अल्लाह का कि वो बच गए हैं हमारे। ओह माय गॉड, जो भी चीज है यहाँ पर वो बहुत खतरनाक है। उसी कमरे, ये वो बहुत खतरनाक है, उसी कमरे, ये देख के यार, यार ये बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर के जा रही है। कैप्चर हुई है अंदर कैमरे के? होगी। बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर के गई है। अच्छा मैं जैसी बात करता हूँ उस कमरे की, तो वहां पे, अच्छा जैसे ही मैं उस कमरे का कहता हूँ ना, कुछ होता है। साकिब तो दिखाएं, तो एक सेकंड आए आगे, देखें हम कुछ ही देर में यहाँ से जा रहे हैं। ध्यान से, बहुत ध्यान से। ओए यार ये क्या गिरा ऊपर, दिखाएं, देखें हम कुछ ही देर में यहाँ से जा रहे हैं। ध्यान से, बहुत ध्यान से। ओए यार ये क्या गिरा ऊपर, दिखाएं,
हम पे कैमरे मत रखें, ऊपर रखें, सामने कमरे में रखें प्लीज कैमरे। ये जैसे नाजिन ऐसा लगा कि ऊपर से ये यहाँ से कुछ चीज गिरी है बिल्कुल, और यहाँ पे ना कोई मूवमेंट है ऊपर, ना कोई जाने का रास्ता है, आपके सामने है कुछ चीज गिरी है यार। अभी जैसे इस कमरे में अल्लाह वक्त, और यहाँ पे ना कोई मूवमेंट है ऊपर, ना कोई जाने का रास्ता है, आपके सामने है कुछ चीज गिरी है यार। अभी जैसे इस कमरे में अल्लाह वक्त, अल्लाह वक्त, ये देखो कुछ हुआ है, फिर कुछ हुआ है, क्या हो रहा है? नजफ सर वगैरह सारी टीम को मैं कह रहा हूँ यार, मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सेफली चलें, और सर के ऊपर जहाँ पे छत नहीं है सब अपना ख्याल खुद रखें, पूरी टीम को कहूँगी मैं। साकिब बात सुन, साकिब इधर आओ, साकिब आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है साकिब? साकिब ठीक हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ अंदर आओ, हमारे साथ रहो, मैं साकिब सब साथ रहे, सब साथ आगे आ जाओ आप, बिल्कुल देख के बी सेफ। लेकिन हमारे साथ ऐसा मामला नहीं, अल्लाह ओह माय गॉड, इधर आ जाओ सेफ जगह पे आओ, नजर तकफिरुल्लाह। लेकिन हमारे साथ ऐसा मामला नहीं, अल्लाह ओह माय गॉड, इधर आ जाओ सेफ जगह पे आओ, नजर तकफिरुल्लाह। देख के यार ध्यान से, ध्यान से इस ये कमरा सबसे ज्यादा खतरनाक है, और यार ये क्या मुसीबत में पड़ गए हम लोग, अस्तगफिरुल्लाह। ये देख सकते हैं नजफ अभी तक, नजफ अल्लाह हू अकबर, ओह माय गॉड, क्या हुआ, कायदा कुछ चीज गई यहां से, कैप्चर हुई है। ये देख सकते हैं नजफ अभी तक, नजफ अल्लाह हू अकबर, ओह माय गॉड, क्या हुआ, कायदा कुछ चीज गई यहां से, कैप्चर हुई है, क्या हुआ, अल्लाह क्या हुआ, क्या हुआ नाज़िम? ये आप लोग रीप्ले में, मैं नजफ यहाँ पे बकायदा मैंने देखा है जैसे यहाँ से कुछ चीज मूव करके गई, ये भी हिला यार, वहाँ पे कैमरा रखे, ये जो चीज है ना ये सामने जो दरवाजा है, हाँ। इस पे बकायदा फुटस्टेप जैसे कुछ चीज मूव करके गई, हिली है ये, उफ अल्लाह। और मुशार मैं यहाँ पे इस चीज को देखना चाह रही थी कि ये बंद क्यों है, और यहाँ पे ये क्या, उफ अल्लाह, ये क्या, यहाँ पे इस चीज को देखना चाह रही थी कि ये बंद क्यों है, और यहाँ पे ये क्या, उफ अल्लाह, ये क्या यार, ये क्या गिर रहा है सर पर? नजफ यहाँ मामला ठीक नहीं है, और हर तरफ छते लगे हुए, मैं तो बता रहा हूँ, और दिस इज नॉट गुड, ये देख रही हो, ये दिखाएं कैमरामैन आप दिखाइए ऊपर, ये सर के ऊपर, आगे नहीं जाना, छत पर, ये कोई है, वो भी दिखाई, वो भी दिखाई, वो सामने, हाँ ये देख सकते हो एक रूम था ये नाज़रीन, ये फिर कुछ हुआ है, लाइट ज्यादा रखे प्लीज, क्या हुआ है साकिब ठीक हो? इधर आओ बात सुनो, शबीर देख के कौन है? अच्छा यहाँ पे ये मामला था, देख सकते हैं ये एक रूम है जहाँ पे सामने अलमारियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अभी तक अल्लाह हू अकबर ये कुछ गिर रहा है ऊपर से बार बार। अच्छा यहाँ पे ये मामला था, देख सकते हैं ये एक रूम है जहाँ पे सामने अलमारियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अभी तक अल्लाह हू अकबर ये कुछ गिर रहा है ऊपर से बार बार। ये क्या गिरता है यार बार बार, मैं भी देख रही हूँ, ओह माय गॉड, ये देखा तुमने, मैं भी देख रही हूँ, अल्लाह ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखा तुमने, यहाँ से बाहर निकलो, मैं कह रही हूँ एक सेकंड, मुशार भी यहाँ से बाहर निकलो, एक सेकंड ठहरो, वो चीज एक्टिव हो गई, मैं थोड़ा सा उससे बात करनी, एक सेकंड रुको, ये रूम है ना, हमें रीडिंग नहीं मिल रही है मुशार, ये बकायदा अल्लाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो चीज एक्टिव हो गई, मैं थोड़ा सा उससे बात करनी, एक सेकंड रुको, ये रूम है ना, हमें रीडिंग नहीं मिल रही है मुशारे, ये बकायदा अल्लाह, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, शिट 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 शिट, ये क्या आ गया यार, ये सब ठीक है मुशारे? हाँ ठीक ठीक, सब ठीक है, ठीक ठाक यार, वो दरवाजा बकायदा तौर पे अभी भी हिल रहा है, ध्यान से
और मैं देखती रह गई हूँ मुशर्रफ, मतलब दरवाजा हिल रहा है और मुसलसल हिल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मुझे कुछ चीज महसूस हुई है जैसे दरवाजा हिले, ठीक है नाज़रीन, वो जैम है दरवाजा नीचे से मिट्टी में धंसा हुआ है और वो हिल रहा है मुसलसल, और मैं उसको देख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पर। और उसी दौरान मुशर्रफ बाहर निकला है और ये हो क्या रहा है यहाँ पर, बकायदा चीज ऐसी कोई ना लिपट गई थी टांगों में, मुझे पता नहीं। आई थिंक ये थी वो कोई वायर है। नाज़रीन हमारी सिचुएशन, हम थोड़े से यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हो गई है नजर, बिल्कुल मामला आप समझ सकते हैं हमारा, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही बकायदा तौर पे कुछ हो रहा है। तभी फिर कुछ गया साकिब, साकिब आपको बार बार महसूस हो रहा है कुछ ना कुछ, सब ठीक है? तो कैमरा मैन साकिब है उनके साथ, उनको भी महसूस हो रहा है। सबसे हमारे लिए अच्छी बात, हमारे सामने कैप्चर हुआ है कि ये जो इधर आए साकिब, ये दिखाएं यहाँ से, ये जो दरवाजा यहाँ पे, अल्लाह अकबर, उफ अल्लाह, उफ अल्लाह, हमारे सामने कैप्चर हुआ है कि ये जो इधर आए साकिब, ये दिखाएं यहाँ से, ये जो दरवाजा यहाँ पे, अल्लाह अकबर, उफ अल्लाह, उफ अल्लाह, ये फिर कुछ गिरा इसके ऊपर, ये दरवाजा देख सकते हो, ये दिखाओ लाइट करो ज्यादा, ये बकायदा इसके फुटस्टेप इस तरह करके कोई बाहर निकल रहा है। इरिटेशन हो रही है, एक तो समझ नहीं आ रही वो क्या, अजीब इरिटेशन हो रही है इसके ऊपर। और हम लोग पैनिक इस वजह से हो रहे हैं कि जगह छोटी है और यहाँ पे एकदम कुछ होता है तो हमले समय हम करें क्या, इसमें आप भी शायद समझ पा रहे हैं। और दो से तीन दफा ऐसा हुआ, दो तीन दफा आपको ऐसा लगे कि पाँव में कुछ लपेटा गया है, दो तीन दफा मतलब मेरे कदम आगे बढ़े ही नहीं, वो दरवाजा मुसलसल मेरे सामने हिल रहा था और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मैं किस तरह उस दरवाजे के पास से गुजर के बाहर जाऊं। मुशर्रफ मेरी बात सुनो, दोबारा करें, एक सेकंड नजर, दोबारा करें, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह, वो सामने देखें, दोबारा करें, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह, वो सामने देखें, वो आई है सामने से ईंट। हम आराम से इनसे बात करते हैं क्योंकि ये हमें देख के शायद पैनिक हो रही है, गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम हाँ क्योंकि हम उनकी जगह पर हैं, हम इनसे आराम से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ नाज़रीन बताते हैं, चलो हमें रीडिंग नहीं मिल रही है लेकिन हम पर हमले हो रहे हैं। नजर क्या हुआ, एक सेकंड ठहरो, अब पैनिक नहीं होना, कुछ होते हैं तो हम इधर ही रहेंगे, ठीक है नजर, हमने भागना नहीं है, बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। शबीर ये देखो, ऊपर दिखाओ यार, इतनी चीजें हैं नाज़रीन यहाँ पे कि जैसे पूरा खानदान आबाद है उन चीजों का। और एक सेकंड, बहुत ध्यान से देख के देख के देख के, आजो आजो, बिस्मिल्लाह, देख के ये नाज़रीन, यहाँ से कोई चीज खुद से आती है, पता नहीं कहाँ से पत्थर लग रहे हैं, क्या चीज आ रही है, बात कर लेने दो यार, बात कर लेने दो। देखें हम जानते हैं हम आपकी जगह पर आए हैं और आप यहाँ पे एक फैमिली की सूरत में मौजूद हैं, हम जानते हैं हम आपकी यहाँ किसी चीज़ को लेने या छेड़ने के लिए नहीं आए हैं, बात करना चाहते हैं आपसे और दरख्वास्त करेंगे बड़े एहतराम के साथ कि आप बग़ैर नुकसान पहुँचाए हमारे सामने आइए। क्या आपकी हम मदद कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे हैं जो यकीनन हैं, क्या
कोई मदद कर सकते हैं हम आपकी? हम आपसे यहाँ पे मिलने आए हैं, कुछ ही देर में यहाँ से हम जा रहे हैं, हम महसूस करने आए हैं क्या मेरे या हमारी टीम में से किसी को बगैर नुकसान पहुँचाए अपना एहसास दिला सकते हैं? ये खामोशी है। देखें, हम आपसे लड़ने नहीं आए, ना ही लड़ सकते हैं, ये आपकी जगह है। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं। बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं या इशारा दे सकते हैं, ईएमएफ के थ्रू बता सकते हैं कि आप हमारे करीब मौजूद हैं? किसी जानवर की शक्ल में आ सकते हैं? खत्म की आवाज आई है। कोई परिंदे की शक्ल में, जानवर की शक्ल, कुछ हुआ अंदर? खत्म की आवाज आई है दोबारा भी। क्या नाम है? साकिब अंदर आए। आप इधर हो, ठीक है? अभी आप अंदर ना जाएं, इसको जाने दें। साकिब, आप साकिब देखो, ये फिर कुछ गिरा है। देखिए, आप अपने होने का एहसास हमें बार बार दिला रहे हैं, लेकिन इस तरह ना दिलाइए। हमें पता है आप यहाँ पे हैं। अच्छा, ये ना कुछ चीज आती है नजफ, नाज़िम थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये कुछ मैं बहुत दंग रह गई हूँ मुशारिब इस चीज से कि ओ माई गॉड। एक से साइलेंट हिलना नहीं है। अब ये मूवमेंट हो रही है, हमने कैप्चर करनी है। अभी बात ये है कि कुछ चीज़ आती है, जैसे कुछ ही फिजिकल लेवल पे कुछ चीज़, जैसे कोई चीज़ गिर रही है हम पे, वो अपने होने का साज जला रहे हैं। अल्लाह अकबर। साकिब, आप यहाँ पर ही रहिए, आप यहाँ से कैमरा मत हटाएं। अल्लाह अकबर। साकिब, आप यहाँ पर ही रहिए, आप यहाँ से कैमरा मत हटाएं। लाइट ज्यादा कर दें। हमारी कोशिश नाज़रीन यही है कि कुछ कैप्चर हम कर जाएं, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। हैरानगी की बात ये है कि रीडिंग हमें नहीं मिल रही है, स्टार्टिंग में सिर्फ मिली है, लेकिन अटैक्स, हमले हम पे मुसलसल हो रहे। चीजें कौन है? एक सेकंड, हिला ना, हिले। साकिब देख के कैमरे के सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? उए, ओफ अल्लाह, क्या हुआ? पत्थर लगा है। उए, ओफ अल्लाह, क्या हुआ? पत्थर लगा है। बकायदा तौर पर पत्थर मुझे लगा आके। क्या ये तो बहुत ज्यादा शदीद चीज है नजर। नज़िम, ये कोई अच्छी चीज नहीं है यहाँ पे, और ये हमसे समझ लें कि, और वो इतने गुस्से में कि वो हमसे बात नहीं करना चाह रही, लेकिन बार बार हमें इशारा। ये देखो, फिर कुछ गिरा। ओहो, और वो इतने गुस्से में कि वो हमसे बात नहीं करना चाह रही, लेकिन बार बार हमें इशारा। ये देखो, फिर कुछ गिरा। ओहो, कुछ गिर रहा मुसलसल। देखो, हाँ, और इसी की चीज की वजह, पता नहीं क्या गिर रहा है, लेकिन एलर्जी सी हो रही, इचिंग हो रही है मुझे ना इस चीज से। ये क्या है? उफ अल्लाह, बाहर निकले यहाँ से, बाहर निकलेगी, छिड़ जाएगी मैं। देख के, बाहर निकले यहाँ से। अभी इसको हम स्प्लिट होके देखते हैं, ठहरे जरा। नाज़िन, हमने नहीं सोचा था नजफ कि हम आएंगे इस जगह पे और इतने मामलात अचानक से शुरू हो जाएंगे, जैसे वो चीज़ हमारे इंतजार में है, वो फैमिली एक्टिव है ऑलरेडी, और वो गुस्से में आ गई है कि जिस तरह अगर कोई मखलूक हो उसके घर में, आप उसके फैमिली को की तरफ चले जाएं, तो कहीं ना कहीं वो खफा हो जाएगी, बिन बुलाए वो मेहमान वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ हर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ अपना गुस्सा दिखा रही है, हमसे बात नहीं कर रही, रीडिंग पे नहीं आ रही उस तरह से जिस तरह से वो हर्ट करने की कोशिश कर रही है। कैमरा सामने रखें साकिब, कैमरा सामने रखें। यार, कोई चीज मूव हुई है नाज़िम, यहाँ पे बकायदा कैमरा सामने रखिएगा, बस मैं आपको। ओफ अल्लाह, ओफ अल्लाह, ओ माय गॉड, ओफ अल्लाह, ओफ अल्लाह, ओ माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह। कैप्चर हुआ है?
अल्लाह, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? किस कदर हमले हो रहे हैं यार, किस कदर, मतलब वो अस्तगफिरुल्लाह, बाहर बाहर निकले यहाँ से, सब बाहर आ जाएं। हमले हो रहे हैं यार, किस कदर, मतलब वो अस्तगफिरुल्लाह, बाहर बाहर निकले यहाँ से, सब बाहर आ जाएं। एक सेकंड नजर, एक सेकंड सब नहीं नहीं यहाँ से बाहर अभी जा रहे हैं, रुको रुको एक सेकंड नाजिन, एक सेकंड नजर, रिलैक्स, सारे रिलैक्स हो जाओ, पैनिक नहीं होना नाजिन, ये बकायदा कैप्चर हुआ है। नजर देखे यार, एक बकायदा चीज जहाँ पे हम पे चीजें, कौन है? अस्तगफिरुल्लाह, वो चीज यार, एक बकायदा चीज जहाँ पे हम पे चीजें, कौन है? अस्तगफिरुल्लाह, वो चीज अपने पूरे जोर में है और ये जगह बहुत पुरअसर है, बहुत ज्यादा। यहाँ से ना मामला बहुत ज्यादा हो रहे हैं नाज़िन, हमने अपना भी देखना होता है, टीम का भी देखना होता है, हमारे साथ जो कैमरामैन है उनकी भी हालत, और इन चीज़ों से ये साबित होता है कि उन जिन्नात ने, उन आसिबों ने इस जगह को अपना मस्कन बनाया हुआ है और वो यहाँ से कभी भी नहीं निकलेंगे, ये इस चीज की निशानदेही है। यहाँ पे जैसे कि इलाका मकीन ने बताया, यहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं, कभी कोई मालिक का पता ही नहीं है, तो जाहिर बात है इंसान का फिर यहाँ पे आना बनता भी नहीं। बिल्कुल, हम इसके साथ थोड़ा एरिया मत चलते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि हम यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ा मसले में हैं यार, मुसलसल कुछ ना अंदर जिस तरह के मामला थे नासिर, क्या हुआ है, सब ठीक है? अंदर कीड़े भी थे वहाँ पर ना, बहुत ज्यादा, जाहिर बात है जिस जगह पर इंसान नहीं होंगे, गंदगी होगी, वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी होंगे, परिंदे भी होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ही पाई जाएंगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गंदगी है। तो नाज़रीन, एक और जगह है जो इसी के साथ एक कनेक्टेड है, इंटरलिंक है, वहाँ पे भी जाते हैं, उन उस जगह के बारे में बहुत सी चीज़ें हमने सुनी हैं, तो वहाँ पे भी जाके थोड़ी सी तहकीकात करते हैं कि वहाँ पर क्या मामला हैं। ये दिखाइएगा शबीर, ये जगह खुली हुई है और यहाँ पे कोई दीवारें और छत नहीं बनी हुई, ये बिल्कुल एक घर में जिस तरह एक लॉन का एरिया हुआ करता है उसके लिए ये जगह बनाई गई थी। और कोई है यहाँ पे? अच्छा नाज़िन, मैं एक नज़र बात ऐड करना चाहूँगा नाज़िन, जहाँ पे आप सोचें कि सदियों से कोई नहीं गया, उसके साथ एक ऐसा इलाका जहाँ पे गंदगी हो, कूड़ा हो, तो ये डेफिनेटली चीज़ें वहाँ पे होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। देख सकते हैं कूड़ा करकट यहाँ इलाका मकीन फेंकते हैं, उसके साथ ये घर की चार दीवारी पे अगर बात करें, थोड़ा आगे हैं नजफ आजो, इसकी हालत देखो टूट चुकी है, ये ज़्यादा मरले पे मौजूद नहीं है जगह, और दो कमरे ही हैं, लेकिन उन दो कमरों में रहना और बड़ा मुश्किल है। ये जैसे आप देख सकते हैं इसकी दीवारें टूट चुकी हैं, ये दिखाइएगा साहब के, ये पूरा देख सकते हैं, ये हर जगह से टूटा हुआ है, सामने भी देखें इसकी दीवार टूटी हुई है, कमज़ोर हो गई हैं क्योंकि इसके रखवाला कोई नहीं है, और ये कुछ अरसा ही अगर इसी तरह रहा तो ये गिर भी सकता है घर, ये इस मराहल पे पहुंचा हुआ है। तो नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश थी कि हम चीज़ को, उस चीज़ को जो हमारे सामने आ रही है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा सकें, हम कैमरे में उसको किसी तरह ला सकें, कोशिश थी हमारी। और नाज़रीन, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा जी, अक्सर मुकामात पे हमारे साथ ऐसा हुआ है कि EMF नहीं बचता, इतनी अंदर चीज़ें हैं और उसके बावजूद EMF कहीं बचा है, वो चीज़ पे अख्तियार है कि वो इसको EMF के पास आए या ना आए, इसको फ्रीज कर दे, इसकी डिस्चार्ज कर, बहुत ज़्यादा है कि वो चाहें तो किसी चीज़ पे भी काबू ला सकती हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आसेब, जिन्नात के असरात मौजूद हैं और आपको लगता है कि वो जगह ख़तरा है उस जगह, तो हमारे साथ रब्ता कीजिए, हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी TV स्क्रीन पर मौजूद है, हमारा फेसबुक एड्रेस है, और असेब ज़दा के नाम से हमारा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पेज है, वहाँ पर आप अपना मैसेज हमें ड्रॉप कर सकते हैं, कोई लोकेशन हो, हम कोई भी लोकेशन का नाम आगे नहीं बताएंगे। नजफ, आने वाले एपिसोड में हम कुछ नया करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से हम कुछ डिफरेंट जरूर लाएंगे, तो अभी तक के लिए मुशारे फारूकी और नजफ राजा को दीजिए इजाजत, अल्लाह नेगेबान।